मॉर्निंग एवरीवन, आज मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी में आप लोगों का सिक्स लेशन तक क्या था, सिक्स लेशन सिर्फ और मुकुट यहाँ तक खत्म हो चुका था। तो आज हम सेवन लेशन पढ़ेंगे, जिसमें आपको पढ़ना है, जिसका नाम है दांतों की साफ सफाई। तो बस उस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम उसका शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। परीक्षण, परीक्षण मीन्स जाँच पड़ताल, परीक्षण मीन्स जाँच पड़ताल। केबिन, केबिन मीन्स छोटे कमरे, ये सब केबिन जिस होता है वो ऑफिस में होता है, किसी ऑफिस ऑफिस में होता है उसी को कहते हैं केबिन मीन्स छोटे कमरे। व्यवहार, व्यवहार मीन्स स्वभाव, व्यवहार मीन्स स्वभाव। प्रतिदिन, प्रतिदिन मीन्स हर रोज, प्रतिदिन मीन्स हर रोज। तो इस तरह को हम इस दांतों की साफ सफाई चैप्टर पढ़ते हैं। इसके प्रस्तावना में दिया हुआ है कि प्रस्तुत पाठ में लेखक ने राधा जैसे ही बच्चों को यह सलाह दी है कि दांतों को साफ रखना कितना जरूरी होता है। तो इस चैप्टर में हमको ये पढ़ना है कि दांतों को क्यों साफ रखना चाहिए और हमेशा साफ रखना चाहिए और जरूरी है साफ रखना। चलिए पढ़ते हैं इस पाठ को। राधा बहुत प्यारी लड़की थी, वह तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। वह प्रतिदिन समय पर विद्यालय जाती थी, सबसे मधुर व्यवहार करती थी, फिर भी कक्षा के बच्चे उससे दूर दूर रहते थे। जानते हो क्यों? राधा एक बहुत ही अच्छी लड़की थी, उसका व्यवहार भी अच्छा था, प्रतिदिन स्कूल जाती थी, लेकिन फिर भी उसके क्लास के कक्षा के जो बच्चे थे वो दूर दूर रहते थे, क्योंकि उसके मुंह से बदबू आती थी। उसके दांतों में भी दर्द रहता था, उसके मुंह से बदबू आती थी और दांतों में उसके दर्द रहता था। तभी तो वह अपना एक हाथ मुँह पर रखे रहती थी, इसलिए वो हमेशा एक हाथ ऐसे मुँह पर रखे रहती थी। उसके हाथों में उसके दांतों में भी दर्द होता था, तभी अपना हाथ एक मुँह पर रखे रहती थी। कभी कभी तो राधा के पास खड़ा भी नहीं हुआ जाता था, उसकी सहेलियां भी उससे दूर ही रहती थी, वे सब देखती रहती थी। उसे दुख भी होता था, परंतु वह क्या करती। कभी कभी तो दर्द इतना बढ़ जाता कि उसके आंसू निकलने लगते थे। एक दिन प्रातःकाल से ही राधा रो रही थी, उसके दांतों में बहुत दर्द था, वह विद्यालय नहीं गई थी। उस दिन वह अपनी माँ के साथ डॉक्टर अंकल के क्लिनिक पर गई थी। डॉक्टर अंकल राधा को देखकर मुस्कुराए। राधा ने डॉक्टर अंकल को नमस्ते किया और बैठ गई। माँ ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, राधा के दांत में दर्द है, यह सुबह से रो रही है। डॉक्टर साहब ने राधा को देखा और उसे केबिन में ले जाकर एक बड़ी कुर्सी पर बैठा दिया। उन्होंने तरह तरह से राधा के दांतों का परीक्षण किया, कोई जांच पड़ताल की। डॉक्टर ने कहा, राधा तुम्हारे दांत बहुत गंदे हैं, क्या तुम दांत साफ नहीं करती हो? राधा की माँ ने कहा, डॉक्टर साहब, यह रोज दांत साफ नहीं करती, बहुत कहने पर ही साफ करती है। डॉक्टर ने कहा, कीड़ा लग जाने से इसके दांतों में दर्द है, मैंने दवाई लगा दी है, कुछ दवाइयाँ बाजार से मंगवा लेना, परंतु यह ध्यान रहे कि दिन में दो बार दांत अवश्य साफ करने होंगे, नहीं तो यह रोग बढ़ सकता है। दांतों का स्वस्थ व मजबूत होना बहुत जरूरी है, अन्यथा शरीर के पोषण हेतु भोजन नहीं खाया जा सकता। दांतों की मजबूती के लिए फल तथा कच्ची सब्जियां खानी चाहिए। दूध पीना दांतों के लिए बहुत गुणकारी होता है। बोलो राधा, अब तुम क्या करोगी? राधा मुस्कुराई और बोली, मैं दिन में दो बार दांत साफ करूंगी, रोज दूध पिया करूंगी, कच्ची सब्जियां और फल भी खाऊंगी, फिर तो मेरे मुंह से बदबू और दांतों में दर्द नहीं होगा, है ना डॉक्टर अंकल? तो इस तरह इसने इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिली कि हमेशा अपने दांतों को साफ रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि राधा जैसी परेशानी में आप भी पड़ जाएंगे, आपके भी दोस्त स्कूल में आपके साथ नहीं रहेंगे, स्कूल की बात क्या, घर पर भी कोई आपके पास बैठना नहीं पसंद करेगा जब आपके मुँह से बदबू आने लगेगी तो। और दांतों की साफ सफाई जरूरी है, क्योंकि अगर दांत गंदे रहेंगे और हम खाना खाएंगे तो वही गंदगी खाने के साथ हमारे अंदर पेट में जाएगी और फिर हमें तरह तरह की बीमारियां होने लगेंगी। तो इस तरह हमेशा अपने दांतों को साफ करना चाहिए और दांत मजबूत रहे इसके लिए हमेशा फल और कच्ची सब्जियाँ खानी चाहिए, दूध पीना चाहिए। ये सब क्या है कि दांतों के लिए फायदेमंद है। तो इस तरह इस आपको शब्दार्थ इसका याद कर लेना है और इस बुक को अपने से एक बार खुद से रीडिंग कर डाल लेना है। थैंक यू।